हेलो फ्रेंड्स, गौरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन हरियाली। तो आइए दोस्तों, देखेंगे चिकन हरियाली के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चिकन हरियाली के लिए हरा धनिया, हरा फ्रेश पुदीना, 2 से 3 चम्मच कर्ड मतलब दही, 1 प्याज जो हमें ग्रेवी के लिए लगेगा, इसके लिए मैंने वो जाड़ा चॉप किया है, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 7 से 8 काजू, 4 से 5 हरी मिर्च और 3 से 4 मैंने काली मिर्च ली है मतलब ब्लैक पेपर, 3 से 4 मैंने लौंग लिया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये हमें स्पाइसेस में ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है। इस चिकन को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा था। मैं आपको बताती हूँ इसमें मैरिनेशन के लिए क्या क्या जाता है। सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है, कर्ड मतलब दही ऐड किया है। आप 2 से 3 चम्मच इसमें दही ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और मैंने इसमें 1 नींबू का जूस डाला है। इससे ये चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। इसे मैंने मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। मैं इसमें हमने लिए हुए स्पाइसेस ऐड करूँगी। इन स्पाइसेस को हमें अच्छे से भून के लेना है। स्पाइसेस हमारे भून के हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज को हमें अच्छे से भून के लेना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अच्छे से भुने 3 से 4 मिनट। ओनियन को फ्राई करने के बाद अपना ओनियन ट्रांसपेरेंट हो गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारा ओनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को भी अच्छे से फ्राई करके लेना है। हमें ये सब अच्छे से फ्राई करके लेना है। इसमें मैंने हमने ली हुई 2 हरी मिर्च भी ऐड की है। सिर्फ 2 ही ऐड की है मैंने, आप देख सकते हैं। और मैंने गैस बंद कर दिया है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया है और मैं इसी बाफ पे उसको पका रही हूँ। मैंने एक मिक्सी के जार में हरा धनिया और पुदीना और मिर्च मैंने यहाँ पे पीसने के लिए रखी है। अब हम इसमें जो हमने प्याज, काजू और स्पाइसेस जिसको भुना है वो मिश्रण हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इसमें ये भी ऐड किया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कर्ड ऐड करूंगी। एक्चुअली मैंने मैरिनेशन में भी कर्ड लिया है, तो इससे लिए मैं इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच कर्ड ऐड करूंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने मिक्सी में पिसा हुआ ग्रेवी का ग्रीन मसाला ऐसे दिखेगा। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है क्योंकि हम ये
घर के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हो। अब मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। 2 बारीक कटे हुए प्याज है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इस प्याज को हमें अच्छे से भून के लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून के लेना है। आप देख सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप देख सकते हैं। अब हमें इसे मिला लेना है। देखिए अपना प्याज भी अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ऑलरेडी हमारा पेस्ट मैरिनेशन में है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही ऐड किया है। अब हमें इसे भून लेना है। अच्छे से भून लेना है 5 मिनट। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम चिकन को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। मैंने चिकन को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस चिकन को लो फ्लेम पे अच्छी सी एक बाफ आने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक। अब देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब ये मसाला हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने ये मसाला अब अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे पकाने के लिए रखेंगे। अब इस पे मैं स्वादानुसार नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। ये फ्रेश क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहिए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी। और मैं इसे 5 मिनट बाफ आने के लिए छोड़ दूंगी। वाव देखिए अपना चिकन हरियाली कितना सुपर्ब लग रहा है। वाव ये देखिए हमारा चिकन हरियाली बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसी बनी रेसिपी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।